हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। क्या कहने, क्या हाल है आप लोगों के? जिसका इंतजार वो आ गया, दुआ करें बस। तमन्ना थी ना कहीं जख्म सहने की, आहा हो गया जख्म। बड़े सुकून में हूँ, उसकी वजह हमारे आज के मेहमान हैं। अच्छा, ओ, ओ, जी, इसलिए मैं बड़े सुकून से बैठा हूँ। आप लोगों ने जो करना है मेरे साथ करें, क्योंकि हमारे आज के जो मेहमान हैं, द लेजेंड ऑफ पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक राइट नाउ, जनाब आतिफ असलम। आता भाई, ये सिर्फ आपके लिए। उसी बैठ जाओ, धड़ तो अच्छा कर लेंदे ने। वो और ही बड़ा कुछ अच्छा कर लेते हैं। आप पे चना लड़ पैना, वो आए ने। जो किसी से न गाया गया हो वो गाना भी गा गए हैं। आज मजाक रात में आतिफ असलम आ गया। कमाल करते हो मियां। जो करता है आपके कदमों में पलकों को बिछा दूं, अगर नहीं यकीन आता तो नीलम मनीर वाला डांस दिखा दूं। जिथे भी जाने अगले धक्का लाई आ रहे आतिफ भाई, देखो ना उच्चे सुर लाते ने। चाचा उतो जाले लाने गाने लाहौर दे बंदे, बसंत वाले दिन कोई सिंगर भी नहीं गा सकता। नाल पतंग उड़ा रहे ने, नाल गा रहे ने। बाजी माई वे सानू भूल ना जावी, बाजी लादा ना दे ना लावी, बाजी हान दिया सजना, बाजी लम्मी ओडी का दिन प्यार। और पेचा लग गया। आतिफ, ये बसंत क्योंकि अब तो यहाँ पे होती नहीं, मगर आपने भी अपने बचपन में क्योंकि लाहौर में गुजारा हुआ है तो बसंत याद है आपको? बिल्कुल याद है, बिल्कुल मनाई हुई है। आज तक मैं अपने सब फैंस को यही कहता हूँ कि जो मजा लूट के गुड्डी उड़ाने का है वो मजा खरीद के गुड्डी उड़ाने में नहीं। जाहिर ये हुआ कि तबीयत के लुटेरे आप बचपन से हैं। तबीयत का पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इतना टीवी पे आने से घबराते क्यों हैं? घबराता नहीं हूँ, बस मुझे ये लगता है कि मेरा काम जो है वो ज्यादा बोलना चाहिए, एज ऑफ टू कि मुझे खुद ज्यादा बोलना चाहिए कि यार मेरा काम बहुत अच्छा है या कुछ ऐसा है। बस आने से जरा सी घबराहट इसीलिए होती है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता टीवी पे आना ज्यादा। नहीं, कहीं इंटरव्यू लेने वाले शौके बहुत होते हैं, और ज्यादा सिंगर ना चीफ गेस्ट ना ज्यादा अपनी तारीफा कर रहे हैं। अच्छा, गाता तो मैं भी हूँ, लेकिन आप तो कमाल ही करती है। योर फैंस रियली वांट टू हियर यू। और आप वैसे तो सोशल मीडिया पे कोई कर देते हैं अपनी तरफ से इनपुट, कोई तस्वीर अपलोड हो जाती है, मगर जो सुनना चाहते हैं वो सिर्फ आपको गाना ही सुने। बस मुझे ये लगता है कि जब वो सवालात और जवाबात होते हैं तो उसमें एक ही जैसे सवालात और जवाबात होते हैं। जैसा कि आपका फेवरेट रंग कौन सा है, आपकी तारीख पैदाइश कौन सी थी। एक बंदा कहता है आपका फेवरेट रंग कौन सा, कहता उड्डिया। मगर आतिफ, मॉडल टाउन के अंदर एक आम सा लड़का जो कि कॉलेज जाया करता था और गाने गाता था, वो दौर कितना याद आता है? आई थिंक वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दौर वही था, और अब जो दौर है उस पर सिर्फ मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि वो जो मेहनत थी वो रंग लेके आई, और अब मेरे लिए जरा बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों में घूमना। वो जो आतिफ था वो बड़ा आराम से बाहर बैगनों पे निकल जाता था, वालिद साहब से किराया लेने का जो एक मजा था, और रोज के 10 रुपए या 15 रुपए इकट्ठे करने का जो मजा था और उसी में सारा दिन चलाना होता था, और जो दोस्तों की बिरयानी में से बोटी निकाल के खाने का मजा था। वाह वाह। तो वो आई डोंट थिंक सो कि अब वो मैं एंजॉय कर सकता हूँ। अब दोस्त नहीं रहे या बिरयानी बोटी वाली नहीं रही? अब वो वाली बिरयानी रही, दोस्त जो है वो भी नहीं रहे। अच्छा, तो यानी कि ये वो वाला जमाना था, और उसी जमाने में जब आप आते हैं और आप हिट हो जाते हैं, आप पे क्रिटिसिज्म बहुत जबरदस्त और वाफिर हुआ कि एक तरफ लोग आपका गाना भी सुन रहे थे, फिर लोगों ने कहा कि अच्छा हिट हो गया तो यार ये नाक में गाता है और सुर ठीक नहीं है और ये क्या किए जा रहे हैं, उस वक्त कैसा लगता? मुझे याद है कि पहली दफा जब मेरे बारे में न्यूज़पेपर में कुछ आया था कि यार ये क्या गाना शुरू कर दिया है, और जिन लोगों को पता नहीं है गाने का वो भी गाना शुरू हो जाता, तो मैं अपने आप से कुड़ना शुरू हो गया और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि यार मैं इतना बुरा हूँ कि मेरी इस बंदे के साथ इतनी पर्सनल दुश्मनी किसने निकालना शुरू की है, और इस तरह से उस दिन से मैंने सोच लिया और तहिया कर लिया कि मैं बन के दिखाऊंगा। आई विल सिंग,
I will sing in pitch. I will sing my kind of songs. अपने तरीके का गाना गाऊंगा और कैद में नहीं गाऊंगा. तो ये जो आपका स्टाइल जो आपने शुरू किया था, ये बाय एक्सीडेंट हुआ था आपसे या आपको आता ही उस वक्त सिर्फ ये था? कह लें कि मुझे गाने का बेसिकली अभी भी कुछ नहीं पता. ठीक है. और उस वक्त ये था कि उस वक्त मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, तो वालिद साहब ने मुझे क्रिकेट नहीं खेलने दी. उन्होंने कहा कि पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद क्रिकेट खेल लेना. तो ये एक साइड पे मुझे कोई बचपन से शौक नहीं था, ये सिर्फ मेरी लिसनिंग थी. मेरे बड़े भाई ने कोई 5 से 6 हज़ार कैसेट्स थी घर पर पड़ी हुई, तो वो बेसिकली इकट्ठी की हुई थी और वो सिर्फ मैंने सुन सुन के उसके बाद मैंने गाना शुरू किया. और दोस्तों ने मुझे इनकरेज किया, उन्होंने कहा कि अगर यू नो यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस, व्हाई नॉट. तो कौन से दोस्तों ने ज्यादा इनकरेज किया था उस वक्त? आई थिंक वो स्कूल के दोस्त थे. वो थे कोई गोहरे नायाब जो कि अब हाथ में ना रहे? नहीं, वो तो नहीं नहीं, वो उन्होंने कन्विंस, उन्होंने इनकरेज नहीं किया था. तब भी आपने एक ही स्वेटर में उनके साथ घुस के तस्वीर खिंचवा ली? सर वो फोटोशॉप तस्वीर, अब बंदा क्या कर सकता? फोटोशॉप आपको पता है, इसी शो पे बता दिए गए हैं कि मेरी जिंदगी की चंद जो पछतावे हैं उसमें से ये है कि मैं और आतिफ उस तस्वीर के लिए मान क्यों गए? पब्लिसिटी लेने के और भी बड़े तरीके होते हैं. अच्छा, ये नहीं उस वक्त पब्लिसिटी लेने के, अब इस वक्त पब्लिसिटी लेने के और भी बड़े अच्छा, तरीके होते हैं. मगर वैसे आपने आज तक उस बात में खास ज्यादा रोशनी नहीं डाली थी कि वो एक इतना आपका स्टार्ट जबरदस्त हुआ था, तो वो एक गाने के बाद ठुस क्यों हो गया? जब बैंड में बहुत सारे लोग आते हैं और उनको शौक होता है कि हाँ हम जो है वो फ्रंटमैन बनना चाहते हैं, तो या गिटारिस्ट बन सकते हैं या फ्रंटमैन बन सकते हैं. और दूसरी बात ये होती है कि आपने अगर मैनेजर रखना होता है तो एक ही मैनेजर होता है एक बैंड का, दो दो मैनेजर्स नहीं होते. दो जरा कोई इनसिक्योरिटी आ गई थी वहां पे कि हाँ मेरा भाई भी मैनेज करेगा. तो इसलिए आपने उस जमाने के बाद ऐसी कसम खाई कि आपने कहा कि अब मैं अकेला ही करूंगा, बैंड नहीं बनाऊंगा? नहीं, मैंने चांसेस दिए और कुछ ऐसे हालात और वाकयात हुए कि मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उनके घर पर डेथ हुई है तो इसलिए वो शो पे नहीं आ सकते. इस लेवल पे चली गई थी. सो विच इज व्हाई व्हेन आई थॉट कि यू नो इस चीज का आपको. उसके बाद मुलाकात वगैरह होती है कहीं? मुलाकात होती है बिल्कुल, सलाम दुआ होती है बिल्कुल. अच्छा, कॉन्सर्ट्स वगैरह बैक स्टेज? कॉन्सर्ट्स में नहीं होती. आप दोनों कहाँ छुप के मिलते हैं? क्रिकेट पे मुलाकात. क्रिकेट पे कौन? हेलो, क्रिकेट? हाँ आतिफ भाई पहुंच गए हैं. हाँ सर्दी तो है स्टूडियो में जी. ठीक है भिजवा दें. वो कह रही सॉक्स भूल आए हैं, भिजवा रहे हैं. पे कभी उनके मेरा नाम भी आए और फेसबुक पे कोई पैगाम भी आए, अपनी बला से चाहे मिले जितनी भी इमदाद, मानेंगे हम तभी वो किसी काम भी आए. महंगाई तो घोड़े की तरह भाग रही है, उसकी किसी के हाथ में लगाम भी आए. जब मैं बाहर जाता हूँ, प्रदेश जाता हूँ, तो वहाँ का जो सबसे बड़ा कॉमेडी शो है उसका जो एंकर है वो मुझे आके कहता है मैं मानला साहब का बहुत बड़ा फैन. क्या बात. वेलकम बैक टू मजाक रात. एक चीज बड़ी आतिफ इंटरेस्टिंग के ये जब सारा क्रिटिसिज्म आप पे होता रहा, आपको कभी लगता था कि आप हिट तो हो ही जा रहे हैं और क्रिटिसिज्म भी चल रहा है, तो कुछ कंफ्यूजन होती थी कि यार अगर मुझे नहीं भी आता तो फिर मैं हिट क्यों हो रहा हूँ? मैं यही तो बता रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे अल्लाह ताला से और डर लगता है. मैं अल्लाह ताला से पूछता हूँ कि मेरे से इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग इस दुनिया में मौजूद हैं और ये जो इनायत है ये मेरे पे ही क्यों है? उस पर मुझे जवाब नहीं मिलता, लेकिन मुझे यही सिर्फ कहा जाता है कि हाँ सिर्फ शुक्र अदा कर. बस मैं शुक्र अदा करता हूँ. तो बस शुक्र अदा करते हैं सिर्फ. ये वैसे एक बड़ी आपकी लेसर नोन साइड है फॉर द जनरल पब्लिक, ये कहाँ से आप में बेदार हो गई? आई थिंक ये वालदैन की तरफ से. मेरी वालदा जो है वो 5 वक्त की नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, वालिद साहब. तो ये उनकी अपब्रिंगिंग का एक नतीजा है आप कह लें कि वहीं से एक जस्तजू चल रही है, हर चीज में उसको ढूंढने की कोशिश की जाती है. तो बस वो एक कंटिन्यूस एक सर्च है, तो मुझे उसकी तलाश है. अब दुनिया देख ली है, लोग देख लिए हैं, हर जगह घूम लिया है, हर जगह परफॉर्म कर लिया है, फेम देख लिया है, पैसा देख लिया है, लेकिन जो सर्च है उधर की है. आप लकी हैं कि आपको शौक था और आपका गाना बिक गया. जी मेहदी हसन साहब तशरीफ फरमाते, उन्होंने फरमाया अमान बेटा मेरा गाना बिक गया, शुक्र है. मैंने कहा आप कह रहे हैं, मेहदी हसन कह रहे हैं? कहते हाँ कई लोग बहुत बहुत अच्छा गाते थे, उनका नहीं बिका, लोगों ने सुना ही नहीं, तो मेरा गाना उन्होंने सुन लिया. तो मैं ये कहूंगा कोई भी आपको कहे ना आप बुरा गाते हो, कोई कहे अच्छा गाते हो, शुक्र किया करो. आप क्या करो यार, जैसा भी आप मेरे अल्लाह को पसंद. बस ठीक है, बेशक बिल्कुल.
ये एक पूरी एजुकेशन है हमारे लिए. मतलब इस इंसान से मैं बड़ी देर से मिलना चाह रहा था, बड़ी देर से. मिलने की वजह यह भी थी कि जब मैं बाहर जाता हूं, प्रदेश जाता हूं, तो वहां का जो सबसे बड़ा कॉमेडी शो है उसका जो एंकर है वो मुझे आके कहता है मैं मानला साहब का बहुत बड़ा फैन. क्या बात. आप ये सोचें कि मेरे लिए कितनी फख्र की बात है. ओ मेरा सीना जो है वो यूं फड़ा हो गया. हालांकि मैं खुद कह रहा हूं कि मैं लोगों में नेगेटिव चीजें देखता हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम लोग ज्यादा नेगेटिविटी पे फोकस करना शुरू कर देते हैं अगले बंदे की, बजाय इसके कि किसी की तारीफ करें. क्योंकि तारीफ करने में कोई हार्म नहीं है. ये जो बैंड बैठा है ये इस प्रोग्राम की रौनक है, हिस्सा है इस जगह की. एक एक बंदा जो यहाँ पे मौजूद है, जो टीम का हिस्सा है और जो दुनिया में आपके साथ ठीक बात करे चाहे ना बात करे, उसको दिल में आप बुरा मत जाने. ये मैंने सीखा. बहुत अच्छा. और क्या बात. वैसे अहमा आतिफ आए हुए हैं तो क्या ख्याल है आप? नाजी हसन को याद कर रही हूँ. नाजी हसन को याद कर रही हैं आप? तो फिर सुनाए ना आतिफ को कुछ, क्या ख्याल है? वेलकम बैक टू मजाक रात. मेरा एक सवाल है आतिफ से. आतिफ आपकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो आप हैंडल किस तरह करते हैं? आई मीन कोई क्रेजी फैन, आई एम श्योर आपके बहुत ज्यादा होंगे. आई थिंक वो खुद ही अपने आप को हैंडल कर लेती हैं और मुझे खास ज्यादा हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती. हाँ ये होता है जरूर कि मुझे जो फैंस इंस्टाग्राम पे अगर सवाल पूछते हैं मैं उनको जवाब जरूर देता हूँ, सलाम का जवाब. आपको पिक्चर्स भेजते होंगे अपने हाथ पे आते लिखा हुआ खून से, ऐसी चीजें आती हैं अक्सर. आती हैं अभी भी आती हैं. अभी भी आती हैं. एक कुड़ी ने आतिफ लिखना सी ब्लेड ना जी रोना पी. मैं क्यों रो रही? कहती असलम लिखे आ गया. मसला है कि अंकल का नाम लिखा गया है आतिफ के बजाय. वाले साहब से पूछता हूँ. मगर नहीं, वैसे सबसे क्रेजीस्ट स्टोरी आपके पास क्या है ऑफ अ फैन एक्सपीरियंस? बहुत सारी हैं. जो आपको भी याद हो कि यार ये कुछ ज्यादा हो गया था. मुझे याद पड़ता है कि मेरी गाड़ी जो थी मेरे एक दोस्त के घर के बाहर खड़ी हुई थी और एक फैन आया, उसने मुझे कहा कि मुझे तस्वीर चाहिए. तो मैंने कहा मुझे याद पड़ता है मैं 3 दिन पहले आया था और तुमने मेरे से तस्वीर ली थी. तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं था, वो कोई और था. मैंने कहा मैंने तुम्हारी तस्वीर खुद देखी है तुमने मेरे साथ, मुझे एक तस्वीर चाहिए. मैंने कहा यार मैं अभी अंदर जा रहा हूँ तो मैं अभी आपको तस्वीर नहीं दे सकता, आपके साथ एक तस्वीर हो गई है. कहता है आई लव यू, चला गया अंदर. ये लड़का था? ये लड़का था. अच्छा. तो 2 घंटे बाद जब मैं बाहर आया तो मेरी गाड़ी पे सारे स्क्रैचेस थे. अच्छा. उस गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था आई लव यू आतिफ असलम. तो अहमा आप अपना सवाल चेंज करें. आपके बहुत से क्रेजी मेल फैंस होंगे, आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? मैंने फीमेल का जवाब नहीं दिया अभी. ये मेल स्टोरी होगी ना, फीमेल स्टोरी. बेसिकली अजीब तरह के लोग होते हैं ना, कुछ समझते हैं कुछ इस बात को समझते नहीं है. और मुझे याद पड़ता है आदत आने के कोई 6 साल बाद मेरे घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी होती थी, एक लड़की आती थी और वो लड़की आके उसके पास मेरा लैंडलाइन भी था, मेरा फोन नंबर भी था. तो बहुत मैंने उसको इग्नोर किया. इग्नोर करते करते 2 महीने बाद उसने कहा कि मैं बाहर खड़ी हूँ, प्लीज बाहर आओ, मुझे सिर्फ एक दफा अपनी शक्ल दिखा दो. क्योंकि मैं नहीं आऊंगा, मेरे घर के बाहर नहीं खड़े हो आप, किसी कॉन्सर्ट पे आना ये सही तरीका नहीं है. तो उसने कहा कि अगर आते हो तो ठीक है, नहीं तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस. मैंने कहा ठीक है जो करना है कर लो. मेरा गार्ड नहीं था उस वक्त. तो फिर मेरी मतलब जो गाड़ी थी उसकी उसने विंड स्क्रीन तोड़ दी. आप गाड़ी हमेशा घर के बाहर ही क्यों खड़ी करते हैं? मतलब तो अंदर ही कर लो, गैराज इसलिए बनाया. सर वो गैराज छोटा था ना उस वक्त. ये देखें आपको पता चलेगा पाकिस्तानी मर्दों और पाकिस्तानी औरतों के दरमियान फर्क कि मर्द जो था वो बेचारा मैक्सिमम उस पर आई लव यू लिख के चला गया, खातून जो थी उसने खर्चा कराया ही कराया. Isn't it hard to believe कि आप अचानक से इंटरनेशनल स्टार बन जाओ? You start from a scratch and then you become the biggest star of Pakistan, not just Pakistan but internationally. It is very hard to believe, but I think true wisdom is in knowing that you don't know. बेसिकली एनीथिंग. उस चीज की आपको मार्फत तभी हासिल होती है जब आप इस बात का एहसास जानना शुरू करें कि आपको कुछ पता ही नहीं. और ये इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज नॉट जस्ट लाइक दैट. ऐसे नहीं हुआ है, मेहनत भी रही है और ऐसी ऐसी मेहनत रही है, ऐसा ऐसा क्रिटिसिज्म रहा है कि उसको सिर्फ खामोशी से सुना है, कान धरा है, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया. क्योंकि मुझे जवाब एक और चीज जो कि बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है कि आप यू नो वजह शोहरत पॉप सिंगिंग है और उसके बाद आप इंडिया चले गए और वहां पे प्लेबैक सिंगिंग भी शुरू हो गई और वहां भी जाते ही अल्लाह लंबी जिंदगी दे इमरान हाशमी को.
हंसने वाली क्या बात है यार, मतलब चाहे आप जिस मर्जी वजह से फिल्म देखते थे लेकिन गाना तो उसमें भाई का ही होता था ना, तो वो आपके एक चलना शुरू हुआ एंड देन यू नो came along came you know Saif Ali Khan, Akshay Kumar and all you know the big wigs also you start singing for them. Ekdam aap ek aisi qawwali ga dete hain jo ke total dimension hi change kar deti hai towards you. Tajdar-e-Haram jo ke is generation yahan pe majority jo baithi hui hai un logo ne shayad is tarah nahi suni hui thi magar jab wo aapne gayi to uske baad wo ek baar dobara itni universally dobara se ek is generation tak pahunchane ke liye aapko credit jata hai uska. ये बात मैं यहाँ पे मेंशन जरूर करूंगा कि वो याद है अल्लाह जन्नत नसीब करे लास्ट ईयर हमारे पास अमजद साबरी भाई थे तो उन्होंने भी ये बात को एक्नॉलेज किया था यहीं पे शो में बैठ के कि उस कवाली को दोबारा इस नई जनरेशन के सामने इंट्रोड्यूस कराने में आतिफ का बहुत बड़ा हाथ है. क्या बात, मैंने नहीं सोचा हुआ था कि इस तरह से होगा और मुझे इस बात का भी डर था कि हाँ इतने बड़े लेजेंड्स जो थे उन्होंने ये कवाली जो है वो पढ़ी हुई है. तो मुझे अभी भी याद है जुमे का वो दिन था जिस दिन हमने डिसाइड किया था कवाली जो है वो डिसाइड करनी है और वो बहुत ही मुबारक सा दिन था मेरे लिए और क्योंकि उसके जो बोल हैं उसमें बात ही इतनी बड़ी हो रही है, मेरे नबी की बात हो रही है, बात इतनी बड़ी हो रही है कि कोई भी पढ़ेगा तो वो इतना बड़ा बन जाएगा, उसके बोल ही ऐसे हैं. बस कह लें कि मेरी एक लगन रही है उसमें और उसको मैंने उसको दिल से गाया और मुझे जिस चीज की तलाश थी मुझे उस वक्त. अभी रिसेंटली आपने कुछ और भी खास तौर पे बनाया हमें पता चला. हाँ स्पेसिफिकली मैं बड़े अरसे से कुछ करना चाह रहा था और मेरा यही मानना था कि कवाली जिस तरह से लोग पढ़ते थे ट्रेंड कुछ अजीब सा आ गया है कि अपनी गायकी दिखानी होती है उनको. मेरे जहन में ना वो बड़ी मुश्किल से बात बैठती है. मुझे ये लगता है कि कवाली का मकसद ये था कि जो सूफिया के लिखे हुए कॉल थे या कही भी बातें थी उनको किसी तरीके से इस तरह से कहना चाहिए कि वो सीधा अगले इंसान के दिल में किसी तरीके से उतर जाए. आए ना जरा हमें दिखाएं कि आपने क्या नया तख्लीक किया है. जरूर कुछ कर. महाचाल हुए गेस्ट हैं हमारे जानते हैं यानी अनएक्सपेक्टेड बंदा. यस ओए ऐसा सिंगर तो सदियों में पैदा होता yes. है महाचाल मोमना मुस्तहसन और मेरे पास सीढ़ियां इनकी ये मोमना मुस्तहसन दाढ़ी वाली मोमना मुस्तहसन कहां से है. नहीं 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 आई एम सॉरी अबाउट दैट. असल में जनन जी मैं एकदम देखा तो मन वही लगी. अच्छा मीशा शफी ने. हां मीशा शफी नहीं निर्गोली मीशा शफी नहीं हो ही नहीं सकते मीशा शफी. हां ए नहीं ये बच्चे ना ना दौर मुमताज उनके साथ नहीं कर सकते लेकिन I'm sorry, मैं किडिंग कर रहा था. कर रहा था अपने ने आतिफ असलम साहब जी मरीज लेके जाता था ना मरीज बड़ी चीखे मारता था. अच्छा मैं फौरन आतिफ असलम साहब का गाना लगाता था इनकी चीखे शुरू उसकी बांग. लेकिन आज मैं आपको रेस्क्यू करूंगा मैं इनसे आपकी जान छुड़वा के रखूंगा. ये बड़े तीखे सवाल करते हैं 2020 में मैं थोड़े हथ नहीं आऊंगा. आप बोलेंगे बीच में कुछ नहीं जानी मेरे तो रो पा रहे जी. ओके नो प्रॉब्लम उन्होंने का भी ख्याल रखना थे सेगमेंट का भी जी. तो आतिफ सबसे पहला सवाल इनमें से जवाब देने तो पहले हल्का जब मेरे देखना है इनमें से कौन सा बैंड आपका पर्सनल सबसे फेवरेट है जुनून स्ट्रिंग्स नूरी या फ्यूजन. की करना अपने जुनून जुनून आपको इनमें सबसे सुरीली सिंगर कौन लगती हैं राबी पीरजादा या प्रिंसेस एनी. तो दोस्ती है ना नहीं कितना किद्दुआ ना एनी एनी आपको ज्यादा सुरीली लगती हैं. ये बताएं इनमें से आपके फेवरेट सिंगर कौन हैं शफकत अमानत अली सजाद अली या राहत फतेह अली खान. इनको पूछा जाए कि मेरे को उनसे ही पूछा है मैंने सिर्फ सजाद अली. सजाद अली इनमें से आपके स्टाइल की सबसे अच्छी कॉपी कौन करता है अरिजीत सिंह या मुस्तफा जाहिद. आई थिंक अरिजीत एब्सोल्युटली राइट
इनमें से किसके साथ आप हीरो आना चाहेंगे फिल्म में, मीशा शफीक क्यूबी या मोमना मुस्तहसन? मीशा शफीक। मीशा शफीक, अगर आप एक स्पोर्ट्स कार में जा रहे हैं और सामने आप तीन लोगों को खड़ा देखते हैं एक बयाबान सड़क के ऊपर, अब आप लिफ्ट एक को ही दे सकते हैं बिकॉज यू ओनली हैव वन सीट, तो इनमें से किसको लिफ्ट देंगे वो आप, एक फरहान सईद, गौर मुमताज या सनी लियोन? आउट। सनी लियोनी। मैं आपके सामने कुछ नाम लूंगा जी, आपने मशवरा देना है इनको जो कि आपके जहन में हो इनके लिए, ठीक है? फाखिर, किसी के कॉर्ड्स जो है वो उठा के गाने में नहीं डालने चाहिए। अली जफर, फैसला कर लें किस चीज का। व्हाट शुड ही डू? सोशल वर्क जो एक अच्छा कर रहे थे वो करते रहे, पॉलिटिक्स की क्या जरूरत है। उमर जसवाल, गाते रहे। सलमान अहमद, रीयूनियन करें, अली अजमत को मना लें। अली अजमत, सलमान को मना लें। अच्छा, हारून, आप प्लीज बगैर किसी को जाने पहचाने वीडियोस में गालियां निकालना बंद कर दें। मोमना मुस्तहसन, मेक अस प्राउड। जवाद अहमद, कितने रह गए? रहीम शाह, मैं नहीं पता कितने हो। कुरान सईद, दूसरी शादी ना करें। उर्वा, सुखी रहो। गौर मुमताज, कोई नवा गाना भी काट दो। शुएब मंसूर, सर प्रोडक्शन से थोड़े जे पैसे ला लिया करो, ते प्लीज हीरो ते हीरोइन में पैसे दे दिया करो। बहुत सारी तालियां आपके हसन के लिए। बड़ी महंगी जी। और उसी में मैं पूछ रहा हूं। हां जी, हां जी, रेडी तो 30 रुपए की लई है ना। वाओ, तो रियली लुकिंग ग्रेट सर। वैसे ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਡੀ ਕਰੂਜ਼, ਇਲਿਆਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਫੈਨ ਹੈ। ਇਲਿਆਨਾ ਡੀ ਕਰੂਜ਼, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ। छो यारी वेख लई ये बहुत खुआरी, ओही चेहरे ओही शकलां वेखी जाइए बारी बारी, डीजे छड़ सियासी गल्लां छेड़ लै राग तरा दरबारी। वाह, वेलकम बैक टू मजाक रात। आतिफ, शादी किसके कहने पे की आपने? शादी मैंने अपने कहने पे की, शुक्र है, और मर्जी से की और बड़े दिल से की। बड़े दिल से की, तो ये जो आपने दिल की आपने ख्याल रखा, जो आपने सैकड़ों करोड़ों दिल बाकी तोड़ दिए उनका ख्याल कौन करेगा? तो अब सबके साथ सैकड़ों करोड़ों नहीं, मगर वैसे कितने कोई आए उसके बाद मैसेजेस के, आतिफ तुमने अच्छा नहीं किया तुम्हें अल्लाह पूछेगा। वेडिंग नाइट। अच्छा, वेडिंग नाइट मुसलसल मैसेजेस आ रहे थे। बिल्कुल, फोन आया। फोन आए? हाँ। आया या आए? आए, लेकिन एक पर्टिकुलर फोन आया। वो पर्टिकुलर फोन किसका था आतिफ असलम? वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन एक फोन आया। हाँ, एक फोन आया और जिसको हम दोनों ने एंटरटेन किया। अच्छा, दोनों ने? हम दोनों ने एंटरटेन किया और सारा ने जो है वो बेसिकली मेरा मेरी मैनेजर बन के बात किया। अच्छा। हाँ, तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि आतिफ की शादी होगी, तुम्हें किसने कहा है? पागल तो नहीं होगी? मैं साथ बैठा हुआ अभी। किसने कहा है? नहीं, वो तो मुझे कार्ड किसी ने दिया था कि जो उसकी शादी होने जा रही है, देखो ऐसा मत करना है, ऐसा मत करना। मैं उनकी मैनेजर बात कर रही हूँ, उनकी शादी बिल्कुल नहीं हुई। तुम ऐसा करो, तुम कल जो है रॉयल पाम आ जाना, वहां पे मैं तुम्हें आतिफ से मिलवा दूंगी। तक फोन बात, मुझे नहीं पता वो खातून जो थी वो गई रॉयल पाम या नहीं गई। ताड़ी गड्डी नु सही लकीरां वाई दी या नहीं? आप एकदम एक्टिंग में आए और फिर आप एकदम एक्टिंग से चले भी गए, ये एकदम क्यों? शेख मंसूर साहब ने एक फिल्म जो थी वो ऑफर की थी और उसमें बेसिकली ज्यादा से ज्यादा वो एक सोशल मैसेज था और प्रॉब्ली जो मुझे लगता है एक प्रोडक्शन वैल्यू के लिए आतिफ असलम को उसमें। अच्छा, आपको लगता है इसलिए थे आप? प्रॉब्ली, आई थिंक। अच्छा, क्योंकि मुझे याद है कि बहुत सारे शॉट्स थे बीच में से निकाले गए, वो शुएब साहब बेहतर समझते हैं कि वो क्यों निकाले एंड ऑल दैट, बट आई थिंक आई हैड अ वंडरफुल टाइम वर्किंग विद हिम। सीखने को बहुत कुछ मिला और ऐसा नहीं कि आई वॉन्ट बी एक्टिंग अगेन, इंशाल्लाह आई विल। किस किस्म की करना चाह रहे हैं एक्टिंग? आई थिंक हैप्पी गो लकी, जस्ट वांट फन फिल्म जो के, दैट्स राइट। तो देयर शुडंट बी एनी मैसेज इन देयर। तो फिर तो आप जवानी फिर नहीं आनी में काम कर लेते। बहुत अच्छी फिल्म, उसमें कोई मैसेज नहीं था ना, उसमें कुछ और था, सिर्फ एंटरटेनमेंट ही थी मेरे ख्याल से। फिल्म एंड वी वेरी प्राउड ऑफ यू, यू हैव डन दैट फिल्म एंड द होल कास्ट इज वेरी नाइस। ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਰਸੂਆ ਬੜਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਆਲੂ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਨਾ? Thank you so much, Atif, for coming on the show. Thank you very much for inviting me. I had a wonderful time in the legends ke saath baith ke, bahut maza aaya.
اور اسپیشلی ایوب خاور صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے اور مزہ آیا, بیکاز بڑے عرصے سے میں بعض ان کا ذکر ہوتا تھا لیکن کبھی ان سے بات چیت نہیں ہو سکی تھی. سو آج آئی ہیڈ اے ونڈرفل ٹائم. اور جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ یو نو آئی ریلی لائک ون آف یور سانگز اڈیجا. تھینک یو. پلیز کین یو سنگ فار اس؟ ارے واہ, وڈ لو ٹو سر.